हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सी जी पी एस सी ई पाठशाला में। सी जी पी एस सी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 10 उद्योग पर। सी जी पी एस सी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2024-25 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप सी जी बुक्स कार्ट में भी जाकर के सी जी पी एस सी ई पाठशाला के आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। सी जी बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको सी जी पी एस सी ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। सीजीपीएससी ई पाठशाला का जो आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो सीरीज चल रहा है यूट्यूब पर, उसके सारे कंटेंट इस बुक में आपको अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, अध्याय 10 उद्योग। सबसे पहले विनिर्माण का जीएसडीपी में भागीदारी वित्तीय वर्ष 2023-24 स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमत क्या होता है, प्रचलित कीमत क्या होता है, इसे हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर दिया गया है विनिर्माण का। देखिए, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उद्योग, लेकिन यहां पर वर्ड यूज हो रहा है विनिर्माण। उद्योग के अंतर्गत जो है आपका निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, जल आपूर्ति, ये सारी चीजें आते हैं। अध्याय 3 राजकीय आय, आर्थिक सर्वेक्षण के अध्याय 3 राजकीय आय में हमने मेजर क्लासिफिकेशन किया है। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आपके प्रक्षेत्र शामिल है, उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से प्रक्षेत्र शामिल है, और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से प्रक्षेत्र शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र दोनों में सिमिलैरिटी जरूर है, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस भी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ द्वितीयक क्षेत्र का, तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण, विनिर्माण, जल आपूर्ति, विद्युत, ये सारे प्रक्षेत्र शामिल है। और इस द्वितीयक क्षेत्र में अगर हम खनन तथा उत्खनन को शामिल करें, तब वो कहलाएगा आपका उद्योग क्षेत्र। ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा, तब कहलाएगा उद्योग क्षेत्र। वैसे ही प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वन उद्योग, फसल, मछली पालन, ये सारी चीजें शामिल है। उस प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका खनन तथा उत्खनन भी आता है, लेकिन खनन तथा उत्खनन को प्राथमिक क्षेत्र से हटाएंगे तब जाके वो कृषि क्षेत्र कहलाता है। कृषि क्षेत्र में खनन तथा उत्खनन शामिल नहीं है। उद्योग क्षेत्र में द्वितीयक क्षेत्र प्लस खनन तथा उत्खनन शामिल है। जाकर के एक बार पढ़िएगा अध्याय 3 राजकीय आय, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन किया है। तो यहां पर आपके उद्योग क्षेत्र का निर्माण, निर्माण प्रक्षेत्र की बात हो रही है, निर्माण प्रक्षेत्र का जीएसडीपी में भागीदारी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए। यहां पर जीएसडीपी, अगर हम छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी की बात करें, तो छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी का आकार है 3,21,94,473 करोड़ रुपए। ये छत्तीसगढ़ के कुल जीएसडीपी का आकार है। तो इस 3,21,94,473 करोड़ में 64,09,469 करोड़ रुपए की भागीदारी है किसकी, विनिर्माण क्षेत्र की। छत्तीसगढ़ के कुल जीएसडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी है 6409469, यानी कि आपका 64,09,469 लाख रुपए का योगदान है किसका, विनिर्माण का। अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ के कुल जीएसडीपी में 21.19% की भागीदारी है किसकी, विनिर्माण क्षेत्र की। ठीक है, उद्योग में हम विनिर्माण पर फोकस कर रहे हैं। उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण और विनिर्माण दोनों आते हैं, निर्माण और विनिर्माण। निर्माण और विनिर्माण में डिफरेंस क्या है, कभी से आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि निर्माण तथा विनिर्माण में डिफरेंस क्या है। सुनने में दोनों शब्द एकदम सिमिलर लगते हैं, लेकिन इसमें अंतर है। ठीक है, निर्माण जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग। तो कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा ध्यान समझना। थोड़ा एक आपको एक इसका डेफिनेशन बताऊंगा, फिर कुछ एग्जाम्पल दूंगा, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन, जब किसी कच्चे माल का रूप परिवर्तन करके उसका उपयोग किसी निश्चित क्षेत्र में, किसी क्षेत्र विशेष में उसका उपयोग किया जाता है तथा वह गतिवान नहीं होता, यानी कि उसमें मोबिलिटी नहीं होती, तो यह कहलाता है कंस्ट्रक्शन।
किसी कच्चे माल का रूप परिवर्तित करके उसका उपयोग एक निश्चित क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में उसका उपयोग किया जाता है तथा वह गतिमान नहीं होता, यानी उसमें मोबिलिटी नहीं होती, तो यह कहलाता है क्या? कंस्ट्रक्शन। जैसे आपके एरिया में जो है फ्लाईओवर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होता है, आपके किसी एरिया में मॉल का निर्माण हो रहा है, मॉल का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, क्षेत्र विशेष में उसका निर्माण हो रहा है, तो यह कहलाता है आपका निर्माण या कंस्ट्रक्शन। दूसरा होता है विनिर्माण। विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, इसका डेफिनेशन भी लगभग सेम है, कच्चे माल का रूप परिवर्तित करके उसका उपयोग डिसेंट्रलाइज तरीके से, यानी कि विकेंद्रीकृत करके इसका उपयोग किया जाता है तथा यह गतिमान होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपने घरों में डेली लाइफ का आपका एग्जाम्पल ले रहा हूं, साबुन की टिकिया, आप किसी ब्रांड का साबुन यूज करते हो, उसका जो बॉक्स होता है, उसकी जो झिल्ली होती है, उसको पीछे पलट करके देखिएगा, उसमें लिखा रहता है मैन्युफैक्चर्ड बाय, कंपनी का नाम लिखा रहेगा और किस स्टेट में, किस स्टेट के किस सिटी में इसका, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। देखिए, हम रह रहे छत्तीसगढ़ में, उस छत्तीसगढ़ में हमें दिल्ली में निर्मित एक साबुन जो है, दिल्ली में जिस साबुन को बनाया गया है उसका हम छत्तीसगढ़ में उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। हरियाणा में कोई आपका स्पोर्ट्स का कोई सामान बना हुआ है, खेल का कोई सामान बना हुआ है, उसको हम छत्तीसगढ़ में यूज कर रहे हैं। नागपुर का कोई आपका मिर्च मसाला का कोई प्रोडक्ट है, उसे हम छत्तीसगढ़ में यूज कर रहे हैं, ये कहलाता है मैन्युफैक्चर्ड बाय। आप किसी भी कंपनी का मोबाइल यूज करते होंगे, मोबाइल के बॉक्स को पलट के देखिएगा, उसमें लिखा रहता है मैन्युफैक्चर्ड बाय, यानी कि उसका जो है उसे बनाया कहीं और गया है और उसका उपयोग कहीं और हो रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट में मूवेबिलिटी रहती है, यानी कि गतिमान रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान उसे उपयोग के लिए लाया जाता है। और वहीं कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में मूवेबिलिटी नहीं रहती, सॉरी, वह गतिमान नहीं रहता, उसका उपयोग करने के लिए आपको उस स्थान पर जाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हमें आपके एरिया में, आपके शहर में, या रायपुर का एग्जाम्पल लेता हूं, रायपुर में कोई एक मॉल है, तो अगर आपको उस मॉल को घूमने जाना है तो आपको उस क्षेत्र विशेष में जाना पड़ेगा जहां पर उस मॉल का निर्माण हुआ है, क्योंकि उसमें मूवेबिलिटी नहीं है, उसका निर्माण एक निश्चित स्थान पर हुआ है, तो आपको वहां पर विजिट करना पड़ेगा। इसके विपरीत अगर आपको किसी एक कंपनी का साबुन यूज करना है, वो साबुन बन किसी दूसरे राज्य में रहा है, लेकिन उसे आप मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन तरीके से ही मंगवा सकते हैं, आपके नजदीकी दुकान में भी वो अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई है, किसी दूसरे स्थान पर हुई है। तो ये होता है आपका कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण तथा विनिर्माण। और यहां पर आंकड़ा दिया गया है विनिर्माण का, छत्तीसगढ़ में जो आपका GSDP है उसमें विनिर्माण की भागीदारी 64,09,469 रुपए का है। अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ के कुल GSDP का आपका 21.19% भागीदारी इस विनिर्माण क्षेत्र की है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश में लागू कुछ प्रमुख औद्योगिक नीतियां, कुछ औद्योगिक नीतियां जो कि लागू है और कुछ औद्योगिक नीतियां जो कि लागू थी। सबसे पहले यहां पे नीतियां के नाम दिया गया है, किस से किस समय अवधि तक, यानी किस वर्ष की अवधि तक के लिए यह लागू थी और उससे जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें। सबसे पहले ऑटोमोटिव नीति, ऑटोमोटिव नीति यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो व्हीकल बनाए जाते हैं उसकी बात हो रही है। दूसरा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, कृषि यानी एग्रीकल्चर, खाद्य प्रसंस्करण यानी कि खाने योग्य जो आपके कृषि उपज है उसको प्रोसेसिंग करके अन्य उत्पाद बनाना, जैसे कि टमाटर, टमाटरों कहा जाता है टोमेटो, टोमेटो को प्रोसेस करके उससे टोमेटो सॉस बनाया जाएगा, टोमेटो केचप बनाया जाएगा, आलू, आलू को प्रोसेस करके उससे आलू का चिप्स बनाया जाएगा, तो ये कहलाता है आपका फूड प्रोसेसिंग, तो उससे संबंधित नीति। औद्योगिक नीति यानी कि इंडस्ट्रियल आपका पॉलिसी की बात हो रही है, इसका डिटेलिंग करेंगे हम। ग्रामोद्योग नीति, ग्राम स्तर पर जो आपके सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग होते हैं उनके लिए बनाई गई नीति। सौर ऊर्जा नीति, सौर ऊर्जा नीति यानी कि सूरज की ऊर्जा का प्रयोग करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, इसका जैसे परंपरागत ऊर्जा के स्त्रोत के बजाय गैर परंपरागत ऊर्जा के स्त्रोत को बढ़ावा देना। परंपरागत ऊर्जा के स्त्रोत की अगर हम बात करें तो कोयला, कोयला जो है एक परंपरागत ऊर्जा का स्त्रोत है, कोयले को जला करके
उससे बॉयलर को गर्म किया जाता है। बॉयलर को गर्म करके उसमें मौजूद जो पानी है वो स्टीम बनता है। स्टीम को हाई प्रेशर पर ब्लेड में, टरबाइन की ब्लेड में छोड़ा जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो कोयला क्या है? कोयला, देखिए मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इसमें कोयला क्या है? कोयला एक आपका परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन कोयले के निर्माण होने में करोड़ों वर्ष का समय लगता है और एक निश्चित मात्रा में वो हमारे धरती पर अवेलेबल है। एक समय के बाद हो सकता है कि कोयले का भंडारण भी पूरी तरीके समाप्त हो जाए, तो हमें जो है अब गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की ओर बढ़ना होगा, यानी कि जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जैसे कि सूरज की ऊर्जा। सूरज की रोशनी लगातार धरती पर, जब तक धरती है तब तक धरती पर सूरज की रोशनी पहुंचेगी, तो बड़े बड़े सोलर पैनल लगाए जाते हैं जिसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो उसके लिए लाई गई है सौर ऊर्जा नीति, लॉजिस्टिक पार्क नीति, है ना, लॉजिस्टिक नीति। लॉजिस्टिक नीति, लॉजिस्टिक का मतलब होता है, आप इसे समझ सकते हैं पार्सल से, जैसे कि अभी आपका फेस्टिवल सीजन आ रहा है, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो एक डिलीवरी बॉय आपके घर में आकर के आपको कुरियर डिलीवर करता है। तो ये जो कुरियर सर्विस की जो कंपनियां हैं ना, वो आते हैं आपके लॉजिस्टिक के अंतर्गत, ठीक है। जैसे कि रायपुर में आपका एक बहुत बड़े स्तर पर लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। अगर आपको एग्जाम्पल दूँ कुछ लॉजिस्टिक कंपनियों के, जैसे कि डिलीवरी, आपका ई कार्ट, आपका ईकॉम एक्सप्रेस, एक्सप्रेस बी, डीटीडीसी, ये सभी के सभी क्या है? लॉजिस्टिक सर्विस देने वाली कुरियर कंपनी है। तो वैसे ही लॉजिस्टिक नीति बनाई जा रही है। आपका जो बड़े बड़े कंटेनर, अगर आप मूवी में देखे होंगे तो समुद्र के किनारे बड़े बड़े कंटेनर रखे रहते हैं, किसी दूसरे देश से इंपोर्ट किए गए सामान कंटेनर के थ्रू आते हैं, और उस आपके जहां पर ये डिपो बनाए जाते हैं, उस डिपो की कनेक्टिविटी आपके जल मार्ग से भी रहती है, वायु मार्ग से भी रहती है, सड़क मार्ग से भी रहती है, रेल मार्ग से भी रहती है। यानी कि कितने आसान तरीके से जो आपका सामान मंगाया गया है उसको कनेक्टिविटी के माध्यम से जल्द B2B सर्विस, यानी कि बिजनेस को या कस्टमर को पहुंचाया जा सके, ये कहलाता है आपका लॉजिस्टिक नीति। और महिला उद्यमिता नीति, यानी कि महिलाओं की भागीदारी उद्योगों में, इसमें उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता नीति लागू की गई है। अब ये नीति कब से कब तक लागू थी या लागू है? सबसे पहले ऑटोमोटिव नीति। ऑटोमोटिव नीति का मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से संबंधित, यानी कि व्हीकल, बाइक, आपके कार, इससे संबंधित। यह नीति जो है वर्ष 2012 से लेकर 2017 तक लागू थी, इसके बाद इसमें कोई भी अपडेट नहीं आया है। लेकिन याद रखना है कि हमारे प्रदेश में ऑटोमोटिव नीति 2012 से 2017 तक लागू थी। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, यह 2012 से 2019 तक हमारे प्रदेश में लागू थी, इसका भी आगे कोई अपडेट नहीं आया है। फिर है आपका औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हमारे प्रदेश की यह नवीनतम औद्योगिक नीति, पांचवें नंबर की, ठीक है, हमारे प्रदेश की यह नवीनतम औद्योगिक नीति है, नवीनतम औद्योगिक नीति जो कि 2019 से 2024 तक लागू है, यह हमारे प्रदेश की पांचवीं, फिफ्थ नंबर की औद्योगिक नीति है। इसका डिटेलिंग आगे हम करेंगे। ग्रामोद्योग नीति जो कि 2016 से 2021 तक लागू था, इसमें भी आगे कोई अपडेट नहीं आया है। सौर ऊर्जा नीति, 2017 से लेकर के 2027 तक लागू है। अगर आप देखेंगे इसके पहले की जितनी भी नीतियां हैं, ये सभी के सभी 5-5 साल के लिए लागू है, लेकिन ये जो सौर ऊर्जा नीति है ये 10 साल के लिए लागू किया गया है, ठीक है, 10 ईयर, 10 साल। नवीनीकरण ऊर्जा नीति जो कि 2002 में लागू किया गया था, उसका नाम परिवर्तित करके सौर ऊर्जा नीति रखा गया, और सौर ऊर्जा नीति को 2017 से लेकर 2027 तक लागू किया गया है। उसके बाद है आपका लॉजिस्टिक पार्क नीति। लॉजिस्टिक पार्क नीति जो है ये आपका 2018 से लेकर के 2023 तक, ठीक है, 2018 से 2023 तक आपका लॉजिस्टिक पार्क नीति लागू किया गया है। 2023 के बाद इसमें भी कोई अपडेट नहीं मिला है। हमारे प्रदेश की यह पहली लॉजिस्टिक नीति है। और महिला उद्यमिता नीति जो कि 2023 से 2028 तक के लिए इसे लागू किया गया है, ये हमारे प्रदेश की पहली महिला उद्यमिता नीति है, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें, ये जो आपके शुरू के पांच है, चार का एग्जाम्पल लेता हूँ, ऑटोमोटिव नीति, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, आपका औद्योगिक नीति और ग्रामोद्योग नीति, ये सभी की सभी जो नीतियां हैं ये 1 नवंबर से 31 अक्टूबर तक के लिए लागू रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि औद्योगिक नीति जो है ये 1 नवंबर 2019 से लेकर के 31 अक्टूबर 2024 तक के लिए लागू है, ठीक है। जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए होता है, वैसे ये जो आपकी अधिकांश जो नीतियां हैं ये नीतियां आपका 1 नवंबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक के लिए लागू है।
वहीं आपका जो सौर ऊर्जा नीति है, सौर ऊर्जा नीति और लॉजिस्टिक पार्क नीति, ये दोनों के दोनों जो नीतियां हैं ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए लागू है, यानी कि आपका 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2027 तक के लिए इसे लागू किया गया है। वैसे ही लॉजिस्टिक पार्क नीति 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक के लिए लागू था। और महिला उद्यमिता नीति, इसका डिटेलिंग आगे आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पांचवी औद्योगिक नीति 2019-24, ये नीति लागू है आपका 1 नवंबर 2019 से लेकर के 31 अक्टूबर 2024 तक के लिए से लागू है। इसको भी जल्द ही रिन्यू किया जाएगा, ठीक है। छठवीं औद्योगिक नीति आएगी अभी 31 अक्टूबर के बाद, हो सकता है गवर्नमेंट इसका अनाउंसमेंट करे। अब इस पांचवी औद्योगिक नीति के अंतर्गत कुछ उद्योगों को प्रोत्साहन किया गया है। उद्योगों का प्रोत्साहन का मतलब, यहां पे ध्यान दीजिएगा, उद्योगों की अलग अलग श्रेणी बनाई गई है, उच्च प्राथमिकता श्रेणी, प्राथमिकता श्रेणी और सामान्य श्रेणी। इसके अंतर्गत अलग अलग इंडस्ट्री को क्लासिफाइड किया गया है। सामान्य श्रेणी के अंतर्गत ऐसे उद्योगों को रखा गया है जो पहले से ही विकसित है, फॉर एग्जाम्पल स्पंज आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ताप विद्युत उत्पाद संयंत्र, चूना निर्माण, पैक्ड ड्रिंक वाटर। ये ऐसे इंडस्ट्री है, ऐसे उद्योग है जो पहले से ही काफी डेवलप है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो आपका स्टील इंडस्ट्री है ये बूम पर है, जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट हो गया, जिंदल स्टील प्लांट हो गया और भी बहुत सारे स्टील प्लांट है, ये पहले से ही काफी विकसित है। तो इन्हें अलग से ज्यादा प्रोत्साहन देने की जरूरत नहीं है, इन्हें सामान्य श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। प्राथमिकता श्रेणी, इससे थोड़े कम विकसित। इस प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत साइकिल निर्माण, इंजीनियरिंग उत्पाद, जेम्स एंड ज्वेलरी, विद्युत उत्पादन, स्पोर्ट्स गुड, ब्रांडेड डेयरी उत्पाद, मेडिकल एवं लेबोरेटरी तथा रेडीमेड गारमेंट आदि शामिल है प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत। उच्च प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत ऐसे उद्योगों को रखा गया है जो जिनका विकास अभी हुआ नहीं है, ये विकास के मार्ग पर अग्रसर है, इन्हें ज्यादा प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। जैसे कि हर्बल वनौषधि, ठीक है, हर्बल वनौषधि और वनोपज पर आधारित उद्योग, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, फार्मास्यूटिकल। हमारे प्रदेश में ऑटोमोबाइल सेक्टर है क्या? नहीं है, लेकिन इसे प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारे प्रदेश में भी आपका स्थापित हो। इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल आदि उद्योग। इसके साथ साथ आपका मेडिकल उत्पाद को भी शामिल किया गया है। मेडिकल उत्पाद पहले शामिल नहीं था, बाद में जब आपका COVID-19 का दौर आया, ठीक है, कोरोना वायरस जब पूरा अपने चरम स्तर पर था, तब सरकार को एहसास हुआ कि हमें मेडिकल उत्पाद को भी, उससे रिलेटेड इंडस्ट्री को भी प्रोत्साहन देने की जरूरत है। जैसे कि मेडिकल उत्पाद में जो अलग अलग लेबोरेटरी में जो दवाइयाँ बनाई जाती है, ICU जो आपके, आप हॉस्पिटल में जाते होंगे तो ICU रहता है, उसमें जो बड़े बड़े मशीनरीज लगे रहते हैं, उन मशीनरीज का निर्माण करने वाली कंपनी को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें जो उच्च प्राथमिकता श्रेणी है उन्हें 11 वर्षों तक के लिए 55 लाख रुपये प्रतिवर्ष उन्हें जो है ब्याज अनुदान दिया जाएगा। जो प्राथमिकता श्रेणी है 10 वर्ष तक 50 लाख रुपए प्रतिवर्ष ब्याज अनुदान दिया जाएगा, और जो सामान्य श्रेणी है उन्हें 8 वर्ष तक 40 लाख रुपए प्रतिवर्ष का अनुदान दिया जाएगा। तो ये था आपके पांचवी औद्योगिक नीति के अंतर्गत उद्योगों को प्रोत्साहन। उसके नेक्स्ट देखिए, स्थानीय निवासियों को नव स्थापित उद्योगों में आरक्षण। यहां पर नव स्थापित यानी कि कोई नए उद्योग अगर हमारे प्रदेश में स्थापित हो रहे हैं तो उनके लिए कुछ कंडीशन है। हर एक उद्योग में कार्य करने के लिए कोई ना कोई श्रमिक होंगे, तो उन श्रमिकों के आरक्षण की बात की जा रही है छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों का। अगर अकुशल श्रमिक है, अकुशल श्रमिक यानी कि जो ट्रेंड नहीं है, अप्रशिक्षित है, जिन्हें प्रशिक्षण नहीं मिला है, अकुशल श्रमिक कहलाएंगे। अकुशल श्रमिक में 100% आरक्षण होगा छत्तीसगढ़ के स्थानीय श्रमिकों का। सॉरी, अगर आपका इसका एग्जाम्पल लूं तो जो प्लांट होते हैं, प्लांट में आपके ठेका मजदूर जाते हैं, ठेका मजदूर कार्य करने के लिए, जो कि बड़े बड़े रॉड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे, सामानों को इधर उधर करने का जो कार्य करते हैं, ये कहलाते हैं ठेका मजदूर, ठीक है। तो ये अकुशल श्रमिक है, इन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, ये बेसिक काम जानते हैं। तो अकुशल श्रमिक, अगर कोई नया उद्योग स्थापित होता है तो उसमें अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता है, तो पूरे के पूरे अकुशल श्रमिक छत्तीसगढ़ के ही निवासी होंगे। अर्धकुशल या कुशल श्रमिक यानी कि ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित किया गया, कोई मशीन चलाने के लिए, क्रेन चलाने के प्रशिक्षित किया गया है, CNC मशीन चलाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया है, तो
उस आपके कैटेगरी में 70% आरक्षण छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों का होगा। प्रबंधकीय एवं प्रशासनिक यानी कि मैनेजमेंट और आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो बड़े स्तर के जैसे आपका मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, तो इस कैटेगरी के लिए आपका 40% आरक्षण छत्तीसगढ़ के निवासियों का होगा। ये नव स्थापित उद्योगों के लिए आरक्षण है, ठीक है। उसके बाद औद्योगिक नीति 2019-24, ठीक है, यहां पे 24 करना, औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत प्रदेश के कोर सेक्टर उद्योग, औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत प्रदेश में 4 कोर सेक्टर उद्योग है। अब ये कोर सेक्टर उद्योग क्या होते हैं? कोर सेक्टर उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिस पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था, राज्य में बात किया जाए तो राज्य की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। अगर इन उद्योगों में थोड़ा बहुत इनके प्रोडक्शन में, इनके उत्पादन में अगर परिवर्तन होता है तो इसका असर पूरे के पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर भी देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे भारत के कोर सेक्टर, भारत में जो आपके कोर सेक्टर है, कोर सेक्टर की संख्या है 8। कोर सेक्टर की संख्या कितनी है? वो है आपकी 8, ठीक है। 8 ऐसे इंडस्ट्रियल है या ये आपके औद्योगिक कुछ उद्योग है जिनमें अगर परिवर्तन हुआ तो उसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर भी देखने के लिए मिलता है। भारत के कोर सेक्टर की संख्या और छत्तीसगढ़ के कोर सेक्टर की संख्या अलग अलग है। देखो भारत में कुल 8 कोर सेक्टर है। कौन कौन से है? एक है कोयला, दूसरा कच्चा तेल, तीसरा प्राकृतिक गैस, चौथा रिफाइनरी उत्पाद, पांचवा सीमेंट, छठवा बिजली, सातवा उर्वरक और आठवा है आपका स्टील, ठीक है। भारत के अगर कोर सेक्टर की बात करूं तो कोयला, कच्चा तेल, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, बिजली, उर्वरक और स्टील, ये भारत के 8 कोर सेक्टर है। अगर इन आपके कोर सेक्टर्स में, इन इंडस्ट्री में अगर कोई बड़ा परिवर्तन, बड़ा चेंजेस होता है तो इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत टोटल 4 कोर सेक्टर बनाए गए हैं। कौन कौन सा है? एक है स्टील संयंत्र, दूसरा सीमेंट संयंत्र, तीसरा ताप विद्युत संयंत्र और चौथा है आपका एल्यूमिनियम संयंत्र। ये हमारे छत्तीसगढ़ के कोर सेक्टर है। अगर इनमें कोई परिवर्तन हुआ तो इसका पूरा का पूरा प्रभाव छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अगर आपको, देखो इसको रटने की जरूरत नहीं है, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का ये हिस्सा है, ये पोर्शन है छत्तीसगढ़ का स्थलाकृति विभाजन, ठीक है, प्राकृतिक एवं स्थलाकृति विभाजन, जिसमें छत्तीसगढ़ के आप मैप बना करके उसका स्थलाकृति विभाजन किए होंगे, आपका धारवाड़ शैल समूह, गोड़वाना शैल समूह, आपका दक्कन ट्रैप्स, ठीक है, ये सारा का सारा आप विभाजन किए होंगे, दक्कन ट्रैप्स, कड़प्पा शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह जहाँ पे लौह अयस्क का भंडारण है, कड़प्पा शैल समूह जहाँ पे चूना पत्थर का भंडारण है, गोड़वाना शैल समूह जहाँ पे कोयले का भंडारण है, दक्कन ट्रैप्स जहाँ पर आपका बॉक्साइट का भंडारण है। ये मेजर क्लासिफिकेशन है हमारे छत्तीसगढ़ का। तो जहां पर धारवाड़ सेल समूह है वहां पर आपका स्टील इंडस्ट्री स्थापित होगा, भिलाई स्टील प्लांट, जिंदल स्टील प्लांट, ये स्थापित है हमारे प्रदेश में। जहां पर आपका कड़प्पा सेल समूह है वहां पर सीमेंट उद्योग होगा, पूरा का पूरा बलौदा बाजार सीमेंट इंडस्ट्री है, वे वहां पर जो है आपका चूना पत्थर का भंडारण होगा, चूना पत्थर कच्चा माल के रूप में उपयोग में लाया जाता है आपके सीमेंट में। तीसरा है आपका गोड़वाना सेल समूह, पूरा का पूरा उत्तर छत्तीसगढ़, गोड़वाना सेल समूह में कोयले का भंडारण है, SECL जो कि छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्खनन करती है, ठीक है, पूरा का पूरा आपके कोरबा में आपका ताप विद्युत संयंत्र मौजूद है, आपका कोरबा पूर्व, कोरबा पश्चिम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, मंडवा तेंदुभट्टा ताप विद्युत संयंत्र, NTPC यहां पर मौजूद है। तो ताप विद्युत संयंत्र हमारे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को जो है ये बनाए रखा हुआ है। उसके अलावा आपका बाल्को मौजूद है, भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि एल्यूमिनियम का उत्पादन करता है। तो ये हमारे प्रदेश के 4 कोर सेक्टर है जिस पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था निर्भर कर रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की, ठीक है। देखिए निवेश आकार की दृष्टि से उद्योगों की श्रेणी, ये नया मैंने ऐड किया है क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है।
निवेश आकार की दृष्टि से उद्योगों की श्रेणी कितनी है पूछा जाए तो टोटल 5 उद्योग की श्रेणी है। एक है सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत निवेश के आकार की दृष्टि से उद्योगों को कुल कितनी श्रेणी में बांटा गया, तो 5 श्रेणी में। कौन कौन सा? सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट, इसमें बांटा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका औद्योगिक पुरस्कार योजना। इस औद्योगिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत 5 श्रेणियों में पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। 5 श्रेणियों में पुरस्कार जैसे कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के समग्र मूल्यांकन हेतु, निर्यातक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, महिला उद्यमी द्वारा स्थापित उद्योग, स्टार्टअप इकाइयां, अनुसूचित जाति जनजाति द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग। इन 5 श्रेणियों में औद्योगिक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। और औद्योगिक पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार में 151,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार में जो है आपका 1,00,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार में 51,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है इन 5 श्रेणी के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है महिला उद्यमिता नीति। महिला उद्यमिता नीति जो है ये 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक 5 वर्ष के लिए लागू की गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि महिला उद्यमिता हमारे प्रदेश में जो अधिकांश नीतियां हैं वो 1 नवंबर से 31 अक्टूबर तक लागू है, लेकिन आपकी 3 नीति को छोड़कर, एक महिला उद्यमिता नीति, दूसरा आपका सौर ऊर्जा नीति और तीसरा है आपका लॉजिस्टिक पार्क नीति, ये नीति जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए लागू है। तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च, इस डेट को याद रखिएगा। इस डेट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक के लिए लागू है। तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2028 तक 5 वर्ष के लिए महिला उद्यमिता नीति लागू किया गया है। महिलाओं की आर्थिक उन्नति एवं आर्थिक सशक्तिकरण के क्रियान्वयन हेतु, ताकि महिलाएं स्वयं का उद्यम स्थापित कर रोजगार प्रदाता की भूमिका निभा सके, यानी कि महिलाएं जो है अपना स्वयं का उद्योग स्थापित कर लोगों को रोजगार दे सके, यह है महिला उद्यमिता नीति का मुख्य उद्देश्य। इसके अंतर्गत ऋण का प्रावधान है, यानी कि कोई महिला अगर अपने स्वयं का उद्योग स्थापित करना चाहती है तो विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्यम परियोजना के लिए 50,00,000 रुपए अधिकतम, सेवा क्षेत्र उद्यम परियोजना के लिए 25,00,000 रुपए अधिकतम और व्यवसाय क्षेत्र उद्यम परियोजना के लिए 10,00,000 रुपए का अधिकतम ऋण का प्रावधान है। यानी कि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रही है तो उसे 50,00,000 रुपए, सेवा क्षेत्र का कोई उद्योग स्थापित कर रही है तो उसे 25,00,000 रुपए और व्यवसाय स्वयं का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है तो उसके लिए जो है आपका 10,00,000 रुपए की अधिकतम ऋण प्रदान किया जाता है इस छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड CSIDC, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई? एग्जाम में आया वो प्रश्न है, 7 अप्रैल 2001 को इस छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। इसका मुख्यालय कहां पर है? रायपुर। विशेष, छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत एकमात्र निगम है छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक निगम। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत स्थापित उद्योगों की अगर हम बात करें तो देखिए जो स्थापित उद्योग है ना उन्हें उनके क्षेत्र विस्तार के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि वृहद औद्योगिक क्षेत्र जिनका विस्तार 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में है, ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया जो कि 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं वृहद औद्योगिक क्षेत्र कहलाते हैं। उसके बाद मध्यम औद्योगिक क्षेत्र, ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जिनका विस्तार आपका 100 से 200 हेक्टेयर के मध्य है मध्यम औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है लघु औद्योगिक क्षेत्र जिनका विस्तार 50 से 100 हेक्टेयर क्षेत्र के अंतर्गत है, लघु औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। और सूक्ष्म एवं सूक्ष्म लघु औद्योगिक क्षेत्र जिनका विस्तार 50 हेक्टेयर से कम है उन्हें सूक्ष्म लघु औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो ये ना कितने क्षेत्र में विस्तार है कम से कम इसको याद रखना। प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से जो आपका कितना विस्तृत क्षेत्र लघु औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, 200 हेक्टेयर से अधिक, 100 से 200 हेक्टेयर, 50 से 100 हेक्टेयर, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते
सकता है। मैं मध्यम और मध्यम लघु औद्योगिक और सूक्ष्म लघु औद्योगिक इसके अंतर्गत कौन कौन से शामिल है ये आपको नहीं बताऊंगा, इसको रीड कर लीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा वृहत औद्योगिक क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में टोटल 5 औद्योगिक क्षेत्र है जो कि वृहत औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिनका विस्तार 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में है, जिसमें से रायपुर का उरला और रायपुर का सिलतरा ये दो आएंगे, बिलासपुर का आपका सिरगिट्टी और सिलपहरी और दुर्ग का बोरई, ये 5 जो है ये वृहत औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जिनका विस्तार 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में है। प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वृहत औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, ऑप्शन दिया गया उरला, ऑप्शन दिया गया सिलतरा, ऑप्शन दिया गया सिरगिट्टी और एक ऑप्शन दे दिया आपका भनपुरी। तो भनपुरी मध्यम औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वृहत औद्योगिक क्षेत्र में केवल 5 शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका नवीन प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र, मुंगेली जिले के परसिया में और बिलासपुर जिले के ग्राम सेलर में नवीन प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र है, यानी कि इन क्षेत्र में भी औद्योगिक, इन आपके ग्राम में यानी कि मुंगेली जिले के परसिया ग्राम में और बिलासपुर के ग्राम सेलर में आपके नए औद्योगिक केंद्र प्रस्तावित है। उसके नेक्स्ट है एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र IIDC, भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत यानी कि एकीकृत अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत सूक्ष्म लघु उद्योग की स्थापना हेतु, यहाँ पे सूक्ष्म और लघु उद्योग की बात हो रही है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की स्थापना हेतु एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना की जाती है, जहाँ पे आपके औद्योगिक क्षेत्र है बड़े बड़े जो वृहत मध्यम औद्योगिक क्षेत्र है उससे बड़े इंडस्ट्री की स्थापना होती है, वहीं पर ये जो एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र है यहाँ पे सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों की स्थापना होती है। नवीन योजना के अंतर्गत परियोजना लागत 60% अधिकतम 6 करोड़ रुपए का अनुदान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, शेष राशि का अंशदान ये राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, राज्य में इसकी स्थापना हेतु नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम CSIDC है, यानी कि कोई आपके एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना की जानी है तो उसका जो परियोजना लागत रहेगा आपके इस विकास केंद्र की स्थापना का उसका 60% अधिकतम 6 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगा और जो अतिरिक्त राशि है उसका व्यय का वहन राज्य सरकार करेगा। ठीक है, भारत शासन के सहयोग से 3 नए एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदित है, कहां कहां पर है, एक है आपका जिला मुंगेली, मुंगेली जिले का खमरिया, कोरिया जिले का परसगढ़ी और रायगढ़ जिले का सियारपाली महुआपाली, इन 3 स्थान पर 3 नए एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना प्रस्तावित है। ठीक है, इसके अलावा एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र रायपुर का अभनपुर और धमतरी का जी आमगांव, देखिए ये प्रस्ताव अनुमोदित हो चुका है, अब इस पर कार्यवाही की जाएगी यानी कि क्रियान्वयन किया जाएगा, इसके बाद फिर इन 2 की स्थापना की जाएगी, रायपुर का अभनपुर और धमतरी का जी आमगांव ये प्रस्तावित है। ठीक है, अब देखिए कुछ आपका सिंगल वन लाइनर है, स्थापित विशिष्ट औद्योगिक पार्क, जिसको एक बार में आप रीड कर लीजिए, छत्तीसगढ़ का जो मेटल पार्क है ये रावाभाटा रायपुर में स्थित है, प्लास्टिक पार्क सरोरा रायपुर में स्थित है, इंजीनियर पार्क ये हथखोज दुर्ग में है, फूड पार्क बगौद धमतरी में है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर नवा रायपुर रायपुर में, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जो कि PPP मॉडल पर आधारित रायपुर में प्रस्तावित है, MSME टेक्नोलॉजी सेंटर जो कि आपके बोरई दुर्ग में है, उसके बाद आपका कृषि उपकरण कारखाना भिलाई दुर्ग में है, औद्योगिक इकाई उत्पाद प्रशिक्षण प्रयोगशाला भिलाई में, सोलर पैनल विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र सेज जो कि राजनांदगांव है, ये एग्जाम में 2 से 3 बार का क्वेश्चन बना है, ये सेज से सोलर पैनल विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र सेज कहाँ पर है, ये राजनांदगांव में स्थित है। और अगर फूड पार्क की बात करें तो टोटल 200 फूड पार्क प्रस्तावित है, 146 विकास खंड में 146 विकास खंड में से 114 विकास खंड में भूमि चिन्हांकित की गई है इन 200 फूड पार्क की स्थापना के लिए। स्थापित फूड पार्क की अगर हम बात करें तो सुकमा जिले के ग्राम सुकमा में फूड पार्क स्थापित किया जा चुका है और स्थापना जो आपका कार्यवाही प्रारंभ है वो है आपका श्यामा तराई पखांजूर कोंटा छिंदगढ़, छिंदगढ़ कोंटा आपके सुकमा में है, पखांजूर आपके कांकेर में है, श्यामा तराई आपका धमतरी में है। ठीक है, तो ये आपके कुछ फूड पार्क हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अपरेल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर, अपेरल का मतलब क्या होता है, अपरेल का मतलब होता है वस्त्र या परिधान। ठीक है, वस्त्र
कपड़ा, परिधान, ये क्या होता है, ये सभी के सब इसका इसके पर्यायवाची है। अपेरल, इंग्लिश में जो अपेरल है वो वस्त्र, यानी कि कपड़ों की डिजाइनिंग से संबंधित है, जो डिजाइनर ड्रेस आते हैं, कपड़ों की कटाई सिलाई, उसमें जरी वर्क। तो अपेरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर, ये इसका उद्देश्य क्या है, राज्य के युवाओं को वस्त्र तथा परिधान के क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा रोजगार उपलब्ध कराना। हमारे प्रदेश में 3 अपेरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर स्थापित है, एक रायपुर में, दूसरा भिलाई में, तीसरा राजनांदगांव में। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि प्रदेश के किस एक स्थान में अपेरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर आपका स्थापित नहीं है। ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी भिलाई, ऑप्शन डी राजनांदगांव। तो आंसर लिया गया था बिलासपुर। 3 जगह स्थापित है, रायपुर, भिलाई और राजनांदगांव में। इसके साथ साथ बस्तर संभाग कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत अपेरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर सुकमा में भी स्थापित किया गया है। तो रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव के साथ सुकमा को भी आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कमर्शियल कोर्ट। कमर्शियल कोर्ट यानी कि वही इंडस्ट्री से संबंधित आपका कोर्ट। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने सबसे पहले अपने यहाँ वाणिज्यिक विवादों का, यानी कि कमर्शियल जो आपके उद्योग से संबंधित जो विवाद है, कमर्शियल वाणिज्यिक विवादों के निराकरण के लिए नया रायपुर में कमर्शियल कोर्ट की स्थापना की है। इस न्यायालय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी संपूर्ण प्रक्रिया एवं निर्णय पारित करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन होती है, यानी कि कंप्लीट ऑनलाइन सिस्टम पर यह बेस्ड है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का कमर्शियल कोर्ट कहाँ पर है, आपका नया रायपुर में है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये है क्या, इसे जारी इसके जारी करता है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, केंद्र सरकार के अधीन जो आपका मंत्रालय है वाणिज्य एवं उद्योग, ये इसको जारी करता है। ये जो रिपोर्ट है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRSP 2020 के अंतर्गत इसे जारी किया गया। इसमें शामिल घटक है लेबर रेगुलेशन, ऑनलाइन सिंगल विंडो, सूचनाओं तक पहुँच में पारदर्शिता, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, कंस्ट्रक्शन परमिट इत्यादि। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये सीधे साधारण शब्दों में है कि कोई एक नया उद्योग किसी राज्य में स्थापित हो रहा है तो वह कितनी आसानी से और कितनी सुगमता से वह उस राज्य में स्थापित हो सकता है। जैसे कि अगर एक नए उद्योग को किसी राज्य में स्थापित करना है तो उसे बहुत से परमिशन लेने पड़ते हैं, राज्य सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, वहाँ के उद्योग विभाग से परमिशन लेना पड़ेगा, वहाँ पर जो है उनको लैंड अकोमोडेशन करना पड़ेगा, यानी कि लीज पर उन्हें पट्टा लेना, पट्टा या लीज पर जो है उन्हें भूमि लेना पड़ेगा, बहुत सारे अलग अलग विभागों से परमिशन लेना पड़ता है, तब जाकर के एक उद्योग स्थापित होता है। तो किसी एक राज्य में कितनी सरल तरीके से कितनी आसानी से कोई उद्योग स्थापित हो सकता है वो उसे जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत रैंकिंग दिया जाता है उन राज्यों को, ठीक है। जैसे कि उस राज्य का लेबर रेगुलेशन क्या है, ऑनलाइन सिंगल विंडो यानी कि कितनी सुगमता से जो है उन्हें परमिशन मिल सकता है, सूचनाओं तक पहुंच में पारदर्शिता, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, कंस्ट्रक्शन के लिए यानी कि उद्योग स्थापित करने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इसमें इसमें घटक के रूप में शामिल है। उद्देश्य, राज्यों के मध्य उद्योग के क्षेत्र में सहयोगात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा देना। वर्ष 2019 की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ देश के 36 राज्यों में 6वें स्थान पर था, बहुत बड़ी बात है। 2020 में आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में असम पहले स्थान पर और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर, तीसरे नंबर पर गोवा। 2020 की रैंकिंग है, उसके बाद कोई रैंकिंग नहीं आई है, आएगा तो करंट अफेयर में आपको बताऊंगा, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सुधार के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य का स्थान 2015-16 में 4थे स्थान पर रहा, 17 में देश में टॉप अचीवर्स राज्यों की सूची में शामिल था, 2019 में 36 राज्यों में 6वें स्थान पर और 2020 की रैंकिंग में आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर था हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। एक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है और एक है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, दोनों लगभग लगभग सेम है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना जो कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ये राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना है। अब ये है क्या, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना जो कि देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन करता है, ठीक है, सृजन करना इसका मुख्य उद्देश्य, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों की बात हो रही है। इसके अंतर्गत पात्र कौन होंगे,
18 वर्ष से अधिक आयु, जिनकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम 8वीं पास होना चाहिए और सेल्फ हेल्प ग्रुप स्व सहायता समूह का वह सदस्य होना चाहिए, तब वह मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का लाभ ले सकता है। इसके अंतर्गत जो ऋण सीमा है, अगर विनिर्माण क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र के लिए अगर ऋण चाहिए तो अधिकतम 50 लाख रुपये, सेवा क्षेत्र में परियोजना लागत अधिकतम 20 लाख रुपये, और स्वयं का अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय करना चाहता है तो उसे अधिकतम 20 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत। इसमें कुछ अंशदान और आपका अनुदान भी है। अंशदान यानी कि जितना ऋण मिलेगा उसमें से 10% अंशदान के रूप में रहेगा, यानी कि इसे देने की आवश्यकता नहीं है, और अनुदान यानी कि जो इतना प्रतिशत है इसे वापस अंशदान का मतलब क्या होगा, 10% का अंशदान किया गया। अनुदान का मतलब, अनुदान परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि जो पैसा उन्हें वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब इसको जैसे आप ऋण में कोई पैसा लेंगे तो उसका ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, ये ऋण की सीमा होती है। तो जो आपका देखिए यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी दिया गया है, एसटी एससी ओबीसी के लिए बात की जा रही है, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अंशदान 10% है। ठीक है, उन्हें 10% का अंशदान दिया जाएगा। एसटी एससी ओबीसी के लिए जो है उन्हें 5% का अंशदान दिया जाएगा। और वहीं पर अगर अनुदान की बात, ऐसी राशि जिन्हें वापस करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जितना ऋण उन्हें दिया गया, ऋण का जितना अमाउंट दिया गया उसमें से 15% उन्हें लौटाने की आवश्यकता नहीं है, ये अनुदान का डेफिनेशन है। एक बार नेट पर सर्च कीजिएगा कि अंशदान क्या होता है और अनुदान क्या होता है। तो शहरी क्षेत्र में 15% अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, शहरी क्षेत्र के एसटी एससी ओबीसी के लिए 25%, ग्रामीण क्षेत्र के अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 25%, एसटी एससी ओबीसी के लिए आपका 35%, ये अनुदान है। ठीक है, बाकी ऋण सीमा प्रश्न पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र के लिए कितनी ऋण, अधिकतम कितनी ऋण सीमा, कितना ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो अधिकतम 50 लाख रुपए। सेवा क्षेत्र के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख रुपए, और व्यवसाय खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए अधिकतम 20 लाख रुपए की राशि जो है ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ये भी प्रधानमंत्री आपका रोजगार सृजन योजना से मिलता जुलता है। उद्देश्य, युवा वर्ग को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी, आत्मनिर्भरता बनाने के लिए बनाने तथा स्वयं का रोजगार प्रारंभ करने हेतु बैंकों से ऋण उपलब्ध कराना, ये प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य है। पात्रता सेम है, 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। उसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में क्या था कि वो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप सह सहायता समूह का हिस्सा होना चाहिए। इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ का वह स्थानीय निवासी होना चाहिए, बस इतना अंतर है। इसमें विनिर्माण क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपए तक का ऋण, सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण, और खुद का बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहता है तो उसमें 2 लाख रुपए तक का ऋण इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। विनिर्माण में 25 लाख, सेवा क्षेत्र में 10 लाख, और व्यवसाय में 2 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टैंडअप इंडिया योजना। स्टैंडअप इंडिया योजना ये क्या है, ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों को उद्योग के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए स्टैंडअप इंडिया योजना लाया गया। ठीक है, ये जो स्टैंडअप इंडिया योजना है उद्योग के क्षेत्र में विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, व्यापम में भी आया था, पीएससी में भी आया था कि स्टैंडअप इंडिया योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक पात्र नहीं है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग। तो अन्य पिछड़ा वर्ग इसमें शामिल नहीं है, एससी शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब और फीमेल। ठीक है, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग को उद्योग के क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए स्टैंडअप इंडिया योजना लाया गया। इसमें प्रत्येक बैंक शाखा हेतु न्यूनतम अनुसूचित जाति या जनजाति का एक हितग्राही और एक महिला उद्यमी इसमें लक्षित किया गया है। इसमें ऋण सीमा क्या है, स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का इसमें ऋण उपलब्ध कराया जाता है बैंकों के माध्यम से। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, पीएमएफएमई।
ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई? 29 जून 2020 को इसकी शुरुआत हुई। अब ये योजना है क्या, यहाँ पर एक बार रीड कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है, जिसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित खंड में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट में जो असंगठित खंड है उसमें व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्योगों के मध्य प्रतिस्पर्धा कंपटीशन को बढ़ावा देना, क्षेत्र के औपचारिकता को बढ़ावा देना और किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, उत्पादकों को उनकी पूरी मूल्य श्रृंखला के साथ सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करना, यह योजना इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं और उत्पादों के विपणन के संबंध में पैमाने का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण को अपनाती है। इसका जो आपका ये जो योजना है ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है। इसका नोडल मंत्रालय है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। ये लागू किया गया है 2020-21 से 2024-25 तक 5 साल के लिए इसे लागू किया गया है। इसमें जो परिव्यय है केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40%, यानी कि 60-40 के अनुपात में इसमें परिव्यय किया जाएगा। 2022-23 में 47.19 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान था। योजना अंतर्गत 489 लाभार्थियों को के आवेदन स्वीकृत कर 254 लाभार्थियों को अनुदान वितरित किया गया है इस प्रधानमंत्री खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत। इसमें डेट याद रखना, बाकी चीजें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। बायो एथेनॉल इकाइयों की स्थापना, बायो एथेनॉल संयंत्र स्थानीय कच्चा माल के रूप में छत्तीसगढ़ में उपलब्ध स्टार्च युक्त कंपाउंड जैसे कि अधिशेष धान, छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन ज़्यादा है तो जो अतिरिक्त धान बच गया, अधिशेष धान, अनाज जैसे गेहूं, चावल के खराब दाने जो खाने योग्य ना हो, गन्ने का रस, मोलासिस, मक्का आदि का उपयोग किया जाएगा। राज्य में बायो एथेनॉल प्लांट की स्थापना हेतु 33 निवेशकों के साथ MOU निष्पादित किया गया है। बायो एथेनॉल प्लांट, आप इससे परिचित होंगे कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है ये धान का सरप्लस यानी कि सर्वाधिक धान का उत्पादन करता है। कुछ धान जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाते हैं, उसके बाद जो अतिरिक्त धान बचता है तो धान खराब हो सकता है, तो उसका उपयोग करके एथेनॉल बनाया जाएगा। मक्का का उपयोग करके एथेनॉल बनाया जाएगा, गन्ने का रस को उपयोग करके एथेनॉल बनाया जाएगा, उसकी बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CPET। इसका उद्देश्य प्लास्टिक उद्योग में युवाओं को प्रशिक्षण देना। प्लास्टिक से बहुत सारे आपके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो उसका इंजीनियरिंग, ठीक है, तो ये आपका इंस्टीट्यूट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। प्लास्टिक उद्योग में युवाओं को प्रशिक्षण देना। हमारे प्रदेश में 2 CPET संचालित है, CPET भनपुरी रायपुर में जो कि वर्ष 2016 संचालित है और CPET स्याहीमुड़ी कोरबा में जो कि 2019 से संचालित है। तो हमारे प्रदेश में कुल कितने CPET है? टोटल 2 है, एक रायपुर के भनपुरी में, दूसरा कोरबा के स्याहीमुड़ी में। उसके बाद अन्य औद्योगिक संरचना की हम बात करें तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मौजूद है रायपुर के सिलतरा में, MSME टेक्नोलॉजी सेंटर बुराई दुर्ग में और व्यावसायिक परिसर मौजूद है आपके तिफरा, सिरगिट्टी, बिलासपुर, बिरकोनी, महासमुंद, हरिल छपरा, कबीरधाम में व्यावसायिक परिसर मौजूद है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ग्रामोद्योग रेशम प्रभाग। ग्रामोद्योग के अंतर्गत हम मुख्य रूप से रेशम को पढ़ते हैं, ठीक है। रेशम क्या होता है? रेशम का एक कीड़ा होता है जो वो जिसके थूक से बनता है आपका रेशम का धागा, ठीक है। जो कीड़ा होता है, कीड़े का लार या कीड़े की जो थूक होती है वो जैसे ही उसके शरीर से बाहर आकर के हवा के संपर्क में आती है तो वो एक महीन धागा, रेशम का धागा बन जाता है और उसी रेशम के धागे से बनते हैं रेशम के कपड़े, रेशम की साड़ियाँ ये बनती है जो कि बहुत महंगे बिकते हैं। तो उस रेशम के कीड़े के पालन, उसे हम इसे पढ़ेंगे ग्रामोद्योग रेशम प्रभाग के अंतर्गत। हमारे प्रदेश में एक टसर और दूसरा मलबरी, दो प्रकार के रेशम के कीट का पालन होता है। तो टसर कृमि, जिसका पालन साजा अर्जुनी के वृक्ष के पौधों पर किया जाता है, उपलब्ध रियायती दर की अगर हम बात करें तो 2 रुपए प्रति स्वास्थ्य समूह अंडे, यानी कि जो इसकी कीट है उस कीट को 2 रुपए प्रति स्वास्थ्य समूह अंडे और प्रति कृषक 100 स्वस्थ डिंब समूह उन्हें उपलब्ध कराया जाता है किसानों को रेशम की
खेती के लिए। हमारे प्रदेश के 33 जिलों में, वर्तमान में प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है 33, 33 जिलों में 423 टसर कोसा बीज केंद्र संचालित है, इसको याद रखना। छत्तीसगढ़ के ओवरऑल जो 33 जिले हैं उसमें 423 टसर कोसा बीज केंद्र संचालित है। अगर हम कुकुन उत्पादन की बात करें तो 2022-23 में टसर कुकुन का उत्पादन हुआ 748.77 लाख नग पालित, और मलबरी कुकुन का, जैसे मैंने बताया दो प्रकार के रेशम है, एक टसर और दूसरा मलबरी, मलबरी का उत्पादन हुआ 61,496 किलोग्राम। ये तो था 2022-23 का। अगर सितंबर 2023 तक की बात करें तो टसर कुकुन का उत्पादन हुआ 182.06 लाख नग पालित और मलबरी कोकुन का उत्पादन हुआ 14,489 किलोग्राम। विशेष प्रत्येक फसल में 8,000 से 10,000 टसर कोसा का उत्पादन कर 500 से 3,000 रुपए प्रति हजार मूल्य किसानों द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी जो इसकी फसल ली जाती है, फसल का मतलब कीट का पालन कर रेशम का उत्पादन, 8,000 से 10,000 टसर कोसा का उत्पादन कर, ठीक है, टसर कोसा का उत्पादन कर 500 से 3,000 प्रति हजार मूल्य कृषकों को प्राप्त किया जा रहा है। लाभान्वित 2022-23 में रेशम प्रभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के माध्यम से 93,370 हितग्राही लाभान्वित हुए है, ठीक है। और संचालित प्रदेश में टोटल 68 रेशम केंद्र, यानी कि 68 रेशम केंद्र, 19 कुकुन बैंक और 4 यौर्न बैंक संचालित है, इसे याद रखना, ठीक है। टोटल 68 रेशम केंद्र हमारे प्रदेश में संचालित है वित्तीय वर्ष 2023-24 तक, 19 कुकुन बैंक और 4 यौर्न बैंक संचालित है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जिसकी स्थापना हुई वर्ष 2001 को, इसका मुख्यालय है रायपुर में। इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योग इकाई की स्थापना करना। खादी, ठीक है, गांधी जी खादी का वस्त्र पहनते थे, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है खादी तथा ग्रामोद्योग इकाई की स्थापना करना। हमारे प्रदेश में इस खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अंतर्गत कुल 9 खादी उत्पादन केंद्र संचालित है। अगर हम बात करें ग्रामोद्योग, छत्तीसगढ़ को कुल कितने ग्रामोद्योग प्रक्षेत्र में बांटा गया है, तो 3, एक है दुर्ग, दूसरा कोंडागांव और तीसरा सुकमा। छत्तीसगढ़ को कुल 3 ग्रामोद्योग प्रक्षेत्र में बांटा गया है। विशेष, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2022-23 तक लगभग 20,100 करघों पर लगभग 60,000 बुनकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न है, ठीक है। 20,100 करघो, यानी कि जिससे खादी वस्त्र का निर्माण होता है, 60,300 बुनकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में इसमें संलग्न है, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए छत्तीसगढ़ में जो 9 उत्पाद केंद्र है, खादी उत्पाद केंद्र है, वो कौन कौन से है, एक है आपका कुंवरगढ़, सारागांव, मैनपुर, गरियाबंद, भगत देवरी, तिफरा, बिलासपुर, हरदी बाजार और आपका देवर बीजा और डिमरापाल। यहाँ पे टोटल 9 आपके खादी उत्पाद केंद्र है। प्रश्न पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में बांस कला केंद्र ये कहाँ पर है, तो बांस कला केंद्र मौजूद है बस्तर जिले के जगदलपुर में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र, जो कि बांस कला केंद्र है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोसा वस्त्र उत्पादन क्षेत्र, हमारे प्रदेश में कोसा वस्त्र उत्पादन क्षेत्र आपका जांजगीर चांपा और रायगढ़ है। सूती वस्त्र उत्पादन क्षेत्र, जो कि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, कवर्धा, धमतरी, अंबिकापुर और जगदलपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राज्य में कोसा वस्त्र एवं जगदलपुर के परंपरागत वस्त्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो कोसा वस्त्र का उत्पादन होता है और जगदलपुर में जो आपके ट्रेडिशनल, जो जनजातियों के द्वारा जो कपड़े बनाए जाते हैं, वो उसकी पहचान राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। वर्ष 2023-24 में कुल 1800 लाख नग नैसर्गिक कोसे का उत्पादन लक्ष्य प्रस्तावित है तथा 60,000 हितग्राही लाभान्वित करना प्रस्तावित है। सितंबर माह में तक कुल 194, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको हटा दीजिएगा, वो रेशम से रिलेटेड जितने फैक्ट आपको बताए केवल उतने ही इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क नीति, जैसे कि मैंने बताया लॉजिस्टिक पार्क के अंतर्गत जो लॉजिस्टिक पार्क जैसे कि कुरियर सर्विस, अगर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, अमेज़न से आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो अमेज़न से
आपको एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ ना, कि जैसे अभी दीपावली का समय आ रहा है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है इनके, आप अमेजोन से कुछ ऑर्डर करेंगे तो अमेजोन से जो प्रोडक्ट डिलीवर होगा वो अमेजोन शिपिंग के माध्यम से आता है। अमेजोन अलग है, अमेजोन शिपिंग उनकी लॉजिस्टिक सर्विस है। फ्लिपकार्ट से अगर आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो फ्लिपकार्ट से जो प्रोडक्ट आता है वो आता है ई कार्ट के थ्रू। ई कार्ट तो फ्लिपकार्ट अलग है और ई कार्ट उनकी एक लॉजिस्टिक सर्विस है। वैसे डिलीवरी आता है, वैसे ही ई कॉम एक्सप्रेस आता है, वैसे एक्सप्रेस भी आता है, डीटीडीसी सर्विस आता है, सैडो फैक्स आता है, फेड ईएक्स आता है। ये सभी के सभी क्या है, ये लॉजिस्टिक सर्विस है। कूरियर जो आप कूरियर बोलते हो साधारण भाषा में, इसे लॉजिस्टिक कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में लॉजिस्टिक पार्क, देखिए छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी जो कि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2021 तक 5 वर्षों के लिए इसे लागू किया गया, लॉजिस्टिक अधोसंरचना का आधुनिकृत एवं मशीनीकृत प्रक्रिया का उपयोग करके राज्य में लॉजिस्टिक सेवा के क्षेत्र विकसित करना तथा राज्य की भंडारण क्षमता में वृद्धि करना है। लक्ष्य, राज्य के प्रत्येक जिले में एक लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की योजना है। नोट, देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम के जोगी घोपा में तथा राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये रायपुर जिला में प्रस्तावित है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का जो लॉजिस्टिक हब है वो रायपुर है। जब कभी भी आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करके उसको ऑर्डर करेंगे तो हमेशा देखना, आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया जयपुर से, बेंगलोर से, या फिर आपने ऑर्डर किया उसको यूपी से, तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट उस राज्य के शहरों से होते हुए पहुंचेगा हब में। हब क्या है? रायपुर। और फिर रायपुर से डिस्पैच होकर के आपके जिले में आएगा। तो सबसे पहले जो हमारा हब है वो है रायपुर, क्योंकि रायपुर को ही आपका लॉजिस्टिक हब बनाया गया है। ठीक, जैसे अगर इसका और एग्जाम्पल लूँ तो लॉजिस्टिक पार्क ऐसे जगह पे विकसित किया जाता है जहाँ पे उसकी ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी अच्छी होती है, वो जल मार्ग से भी आसानी से जुड़ा हो, रेल मार्ग से भी जुड़ा हो, आपका सड़क मार्ग से भी जुड़ा हो और वायु मार्ग से भी जुड़ा हो। हमारा छत्तीसगढ़ लैंडलॉक्ड स्टेट है, यहाँ इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगी हुई है, तो जल मार्ग से तो कनेक्टिविटी हो नहीं सकती। लेकिन रायपुर में जो है हर आपके चारों दिशा में जाने के लिए रेलवे कनेक्टिविटी अच्छी है, यहाँ पे राजधानी है तो यहाँ पर आपके सड़क मार्ग से भी आपका आसानी से कोई भी सामान एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। और रायपुर में आपका एयर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यहां पर एक हवाई अड्डा भी है, तो ये कनेक्टिविटी है, इसलिए यहां पर लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। और इस देखिए ये 2023 तक लागू है, इसके आगे इसमें कोई भी अपडेट नहीं मिला है। ठीक है, तो ये था छत्तीसगढ़ राज्य में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अंतर्गत अध्याय 9 उद्योग। ठीक है, तो अध्याय 9 उद्योग के अंतर्गत इतना ही, इसके आगे के चैप्टर हम बहुत जल्द कंटिन्यू करेंगे। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।